कैफ काफी ज्यादा खबरों में बनी हुई हैं अपनी फिल्म और साथ ही साथ सलमान खान के साथ काम करने को लेकर, जो कि फिल्म है भारत। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई ये फिल्म कर रही है, लेकिन इसी बीच कटरीना कैफ खबरों में आ गई हैं टाइगर 3 को दिए गए अपने स्टेटमेंट को लेकर। नमस्कार, मैं हूं यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में। अपडेट अपने आप में बेहद खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सलमान कटरीना की। टाइगर 3 में सलमान खान और कटरीना कैफ फिर से साथ में नजर आने वाले हैं, इस तरह की जहां खबरें हैं। तो वहीं कटरीना कैफ से पूछा गया कि टाइगर 3 का काम कैसा चल रहा है, टाइगर 3 पर कब शूटिंग शुरू होगी, यानी कि अभी तक उनको कुछ पता है इस बारे में या फिर नहीं। कटरीना कैफ ने बयां कर दी है थोड़ी सी सच्चाई, और जहां मजाक के अंदाज में उन्होंने कह दिया है कि उनको चीजें जो हैं बिल्कुल अंत में पता लगती हैं, तो इससे भेदभाव जैसा शब्द उठने लग गया। अब ये शब्द कैसे उठा और साथ ही कैसे कटरीना कैफ ने फिल्म भारत को लेकर इंटरव्यू दिया था, तो वहीं कटरीना कैफ ने इस बार टाइगर 3 को लेकर इंटरव्यू दिया है। टाली नजर इस रिपोर्ट पर। फिल्म इंडस्ट्री में एक कपल ऐसा है जो कि काफी ज्यादा खबरों में रहता है। ये कपल इतना ज्यादा खूबसूरत साथ में दिखता है कि फैंस चाहते हैं कि ये जो रियल लाइफ कपल है रियल लाइफ में भी कपल बन जाए, और साथ ही दोनों अपने रिश्ते को काफी आगे तक लेकर जाएं। शायद आप इतने से इंट्रोडक्शन से ही समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं आपसे कटरीना कैफ और सलमान खान के बारे में। कटरीना सलमान की जोड़ी की अगर बात की जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। फैंस जहां इनकी हर एक मूवी देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब रहते हैं, भले ही आप बात कर लीजिए टाइगर की, जो यहाँ एक था टाइगर या फिर टाइगर जिंदा है, दोनों ही फिल्मों को काफी ज्यादा फैंस द्वारा पसंद किया गया है, क्योंकि भाई दोनों फिल्मों में सलमान कटरीना की जोड़ी ने काफी ज्यादा ही फैंस को एंटरटेन किया। अब बात कर लेते हैं हाल ही में रिलीज हुई ईद के मौके पर फिल्म भारत की। 5 जून साल 2019 को रिलीज हुई भारत ईद के मौके पर काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है, और खबरों के अनुसार 100 करोड़ क्लब में भी ये फिल्म शामिल हो गई है। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि जितना ज्यादा इस कपल को फिल्म भारत में भी पसंद किया जा रहा है, जहां फिल्म भारत को लेकर ये कपल इतना ज्यादा चर्चाओं में है कि आप भी फिल्म के शोज जो हैं हाउसफुल जा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म के शोज तो हाउसफुल जा ही रहे हैं, और साथ ही कपल इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर ही रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि अब सलमान कटरीना के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कटरीना कैफ के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है। दरअसल कटरीना कैफ ने इस बात का खुलासा हाल ही में खुद ही किया। कटरीना कैफ से टाइगर के नए पार्ट को लेकर बात की गई। सही सुना आप सभी ने, कटरीना कैफ से पूछा गया कि भाई टाइगर के अगले पार्ट यानी कि टाइगर 3 में काम करने को लेकर उनके पास क्या अपडेट है और वो कब इस फिल्म में नजर आ सकती हैं। कटरीना कैफ ने हंसते हुए बता दिया, लेकिन उन्होंने सच्चाई पूरे तरीके से बता दी। उन्होंने कहा, अली यानी कि अली अब्बास जफर ने अपना विचार मेरे साथ साझा नहीं किया, लेकिन फिर अली के साथ मैं हमेशा जानने वाली अंतिम व्यक्ति होती हूँ। यानी कि कटरीना कैफ को सब कुछ सबसे बाद में पता लगता है। जी हाँ, यही भेदभाव कटरीना कैफ के साथ हो रहा है कि भाई उनको चीजें जो हैं सबसे बाद में पता लगती हैं। हालांकि कटरीना कैफ ने काफी मजाक के अंदाज में ये बातें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत ही गुप्त हैं और अपने लिपियों को मेरे अच्छे दोस्त होने के बावजूद अंतिम समय तक अपनी छाती के करीब रखते हैं। खैर, जिस तरीके से कटरीना कैफ ने खुलासा किया है, तो उन्होंने बता दिया है कि वो आखिरी मोमेंट तक उनसे ज्यादा बातें साझा नहीं करते हैं। यानी कि कटरीना कैफ के साथ कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव हो रहा है, ये हाल ही में भले ही उन्होंने मजाक के अंदाज में बता दिया हो, लेकिन जिस तरीके से कटरीना कैफ फिल्मी पर्दे पर नजर आती हैं, तो उनको काफी पसंद तो किया जाता ही है। इसके अलावा सलमान खान के साथ वो जब भी किसी फिल्म में नजर आती हैं, तो भाई वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है। इसी बीच आपने जाना कि किस तरीके से टाइगर के नए पार्ट को लेकर अब कटरीना और सलमान पूरे तरीके से तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि आखिरकार फिल्म की शूटिंग कब शुरू होती है, कब फिल्म फ्लोर पर आती है, और उस फिल्म को कितना ज्यादा पसंद किया जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए भारत की, तो भारत तो जबरदस्त रिस्पॉन्स लेकर आ रही है। ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान कटरीना की फिल्म बेहद अच्छा कलेक्शन कर रही है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन इन सबसे हटकर कटरीना कैफ ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है फिल्म
टाइगर के नए पार्ट को लेकर भी, टाइगर 3 को लेकर भी। इसका नया टाइटल क्या होगा अभी तक ये तो बताना ही है, लेकिन इसी बीच कटरीना कैफ ने ये बता दिया है कि भाई उनको चीज़ें बिल्कुल एंड में पता लगती हैं। जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास ज़फ़र, वो काफ़ी चीज़ों को छिपा लेते हैं, तो वहीं जिस तरीके से उन्होंने बयां किया है उससे सब कुछ सामने आ चुका है। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट वन न्यूज़ के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।